नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज दुबे। दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब का परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से शालाक्य से पीजी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने कंडक्ट कराया ये AIPGT 2019 और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जो इस समय बच्चों की मुख्य समस्या है वो है कि कौन सा विषय लें, किस इंस्टीट्यूट में जाएं, तो क्या क्या क्राइटेरिया उनको दिमाग में रखना चाहिए सिलेक्शन और काउंसलिंग के टाइम पे। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। साल भर मेहनत किया है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सब्जेक्ट के लिए जो चॉइस फिलिंग का टाइम चल रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूजन होगा यार, कौन सा इंस्टीट्यूशन लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में अच्छी ग्रोथ है, किस सब्जेक्ट में प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी है, किस सब्जेक्ट में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो इस पर हम इस वीडियो में हम अभी थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक सब्जेक्ट की बात रही, तो कोई भी सब्जेक्ट ख़राब नहीं होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उस सब्जेक्ट में उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। और देखिए, सब्जेक्ट ऑप्ट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम ऑप्ट कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा हमारा, तो उस सब्जेक्ट में हम उस काम को इंजॉय करेंगे, ना कि बोझ की तरह। क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया उसमें आपको 10 साल 20 साल 30 साल या पूरी लाइफ आपको उसी सब्जेक्ट में काम करना है। तो नॉर्मली क्या पैटर्न होता है कि जिनकी मेरिट लिस्ट में रैंक अच्छी आती है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, और जिनकी मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा नीचे रैंक आती है वो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। लेकिन ये बड़ा ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा अगर आपकी चॉइस का सब्जेक्ट मिल रहा है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्त्री एवं प्रसूति तंत्र को ही लेते हैं कि हमें अगर ये सब्जेक्ट अगर हमें सेलेक्ट करना है तो किसी भी जो एस्पिरेंट है तो उसको क्या क्या हमें देखो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि आयुर्वेद में जो सर्जिकल ब्रांचेज हैं वो तीन हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जिनको गर्ल्स की जिनकी रैंक अच्छी आती है वो सबसे पहले SRPT स्त्री रोग प्रसूति तंत्र को ऑप्ट करती है, क्योंकि गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा होता है कि अपना फीमेल डिसऑर्डर से तो उनके कोई रूल तो है नहीं, वो पुरुष भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, फीमेल पेशेंट आती हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और अब उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल जाती है। आजकल कई सारी डिजीजेज हैं जो मॉडर्न में नहीं ट्रीटेबल हैं, वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ट्रीट होती हैं। वो अपना देखिए, सर्जरी में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे ही वो सिजेरियन सेक्शन या अलाउड है। बट स्टिल अगर आप और किसी अलग स्टेट में भी हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट ऐसा है जहाँ पे हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बाकी स्टेट्स में अभी ये स्थिति परमिशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सर्जरी नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरीज करवा सकते हैं। जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, वस्ती उत्तर वस्ती या स्थापन अनुवासन, ऐसे करके बहुत सारे ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो गायनेकोलॉजी से बहुत अच्छा चल सकता है। गर्भ संस्कार एक अच्छा एरिया है। प्रदर असुरिकदर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका एलोपैथ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद से आप ट्रीट करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसी सर्जिकल ब्रांच में ही एक ब्रांच नेक्स्ट ब्रांच आती है जो हमारा शल्य तंत्र है। जी। शल्य तंत्र में ये भी एक सर्जिकल ब्रांच है। इसमें आप देखिए बहुत ज़्यादा इसमें भी मेजर सर्जरीज का स्कोप नहीं है क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में अलाउड नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसमें ये भी अलाउड है। अच्छा। लेकिन अगर सर्जरी की बात करें तो एनोरेक्टल सर्जरीज में आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है। मेजर सर्जरी से कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे MS शल्य हैं आयुर्वेदा वाले, वो सिर्फ एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स की सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एनोरेक्टल डिजीजेस नहीं है, उसमें हर्निया है, अपेंडिसाइटिस है, हाइड्रोसील है, ये सारी सर्जरीज भी परफॉर्म करते हैं। और इसमें देखिए क्षार सूत्र, आजकल क्षार सूत्र कोई छुपा हुआ नाम नहीं है, हर कोई इससे परिचित है। तो क्षार सूत्र एक गेम चेंजर है। सिर्फ क्षार सूत्र के भरोसे ही आप अकेले एक पूरी OPD चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें बाकी अग्निकर्म, जलौका,
और रक्तमोक्षण, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको करके आप ओपीडी चला सकते हैं। और इसमें करके आप ना कि पैसा कमा सकते हैं, बल्कि ऐसे चीज़ें भी हैं जो मतलब पेशेंट को आप अच्छे से ट्रीट भी कर रहे हैं और मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, आराम भी दे रहे हैं जी, और आपको बिल्कुल पैसा भी मिल रहा है। डॉक्टर साहब, तीसरी ब्रांच जो आपकी है, चाहेंगे आप शाला के तंत्र, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। देखिए, शाला के तंत्र उत्तमांग की चिकित्सा है। आयुर्वेद में जो उत्तमांग कहा गया है, क्लेविकल से ऊपर, इसमें 5 में से 4 इंद्रियां सिर्फ उत्तमांग में ही रहती हैं। तो इसमें देखिए बहुत ही ब्रॉड स्कोप है शाला के तंत्र का, और अभी ये अछूता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है इस पर। लेकिन इसमें एलोपैथी में डॉक्टर्स होते हैं कि वो आई के डॉक्टर अलग होते हैं और ENT के डॉक्टर अलग होते हैं। आई में भी सुना है बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, डेंटिस्ट्री के डिपार्टमेंट अलग, लेकिन अभी आयुर्वेद में क्या है कि कंबाइन कर दिया है, आई, ENT और डेंटिस्ट्री तीनों एक में ही ब्रांचेज हैं। तो आप है होल एंड सोल एक इन तीन ब्रांचेज को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आई और डेंटिस्ट का भी काम कर सकता है, और जो है थ्रोट उसके भी डिजीज को देख जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और जहाँ तक रसायन चिकित्सा, इसमें शाला के तंत्र में एक बहुत विकसित होती हुई विधा है, और उसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है जी। डॉक्टर साहब, तो हम इस बारे में, और चूंकि आपकी ही ब्रांच है, तो थोड़ा और अगर कुछ कहना चाहें कि मोस्ट कॉमनली हम आप जैसे बच्चों को बताना चाहें, शालाक्या को लेकर ये एक रहता है कि हम इसे सिर्फ लेक्चरशिप के लिए ऑप्ट करें, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, आजकल का टाइम चल रहा है, कंप्यूटर और विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल्स, मोबाइल या जो भी है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम इन पर जितने ही डिपेंडेंट हैं, हम सिर्फ आँखों से ही देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर ये सब चीज़ें बढ़ती रही तो आँखों का अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है और एक अच्छा खासा स्कोप क्रिएट हो रहा है डॉक्टर्स के लिए। भी अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस सिंगल, आप अगर सिर्फ नेत्र रोग की चलाना चाहें तो उस पर भी चल जाएगी, अगर आप कर्ण और सिर और मतलब नासा रोग पर चलाना चाहें, कंठ रोग पर चलाना चाहें, उस पर भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी देखे होंगे जो सिर्फ आयुर्वेद बेस पे जी। हाँ, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं अपने भारत देश में ही जो बहुत सारे चल रहे हैं और सिर्फ शाला के। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में हम अगले विषय पर चलते हैं, काया चिकित्सा, तो इस विषय में आपका क्या वो देखिए, काय चिकित्सा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है जो हर बीमारी की चिकित्सा करता है, हर डिजीज़ की चिकित्सा करता है। इसमें जनरल प्रैक्टिस के लिए कहते हैं कि इसमें आजकल ज़्यादातर सामान्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। अभी इसमें CCIM ने नया एक सुपर स्पेशलिटी के लिए, लाइक यस, कफज व्याधियों के लिए अलग ओपीडी, वातज व्याधियों के लिए अलग ओपीडी, ये एक अभी उनका प्रोजेक्ट है जी। हाँ बिल्कुल, तो काय चिकित्सा के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब आने वाली है। जो ये बना हुआ है कि MD काय चिकित्सा के आगे भी मतलब जो है वो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी डॉक्टर साहब शुरुआत हो जाएगी इनकी। अच्छा, क्या आपने एक नई बात बताई बच्चों। जी हाँ बिल्कुल, इसका अच्छा स्कोप है, और इसमें काय चिकित्सा में रहते हुए ही पंचकर्म के सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो एक चीज है कि जो काय चिकित्सक है वो भी पंचकर्म परफॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि पंचकर्म अभी कुछ दिन पहले 2006 में यहाँ से अलग हुआ था, उसके पहले काय चिकित्सा और पंचकर्म एक ही, मतलब काय चिकित्सक संशमन संशोधन दोनों ही चिकित्सा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चिकित्सा कर सकते हैं, और काय चिकित्सक की ओपीडी चलाना सबसे आसान काम है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो काय चिकित्सा की अकेली ओपीडी बहुत आसानी से चल सकती है जी। डॉक्टर साहब, अब इसी क्रम में हम पंचकर्म पे आते हैं जी। बिल्कुल, पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा जी, बिल्कुल, आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। आजकल इसे गवर्नमेंट किस तरह प्रमोट कर रही है हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस का इसमें बहुत बड़ा स्कोप है पंचकर्म की अगर बात करें जी, जी। क्योंकि पंचकर्म के भरोसे आप अकेले ओपीडी चला सकते हैं, पंचकर्म का पूरा अस्पताल बना सकते हैं। आजकल मिनिस्ट्री ने ऐसे किया है कि एम्बेसीज में पंचकर्म के बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो एज एक्सपर्ट रखे जाए। आजकल काउंसलिंग में हम देखते हैं कि बच्चों की प्रथम जो है प्राथमिकता या तो शल्य या पंचकर्म होती है या पीड्स होती है। तो चलिए अभी हम पंचकर्म की बात कर रहे हैं, तो पंचकर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी रखने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंचकर्म को प्रायोरिटी देने का बहुत ही मुख्य कारण है, क्योंकि शोधन पंचकर्म भी अगर कहें तो होल एंड सोल
एक ब्रांच हो जाती है जिसमें अगर किसी भी ब्रांच के लिए रिजल्ट लाना है अपना, जैसे नेत्र रोग का ही ले लीजिए, अगर उसमें आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पंचकर्म का की मदद लेनी पड़ेगी। दादा कहने का मतलब है कि शोधन हर आवश्यक है। बिल्कुल, शोधन आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल फंडिंग हो रहा है पंचकर्म के नाम जी। बिल्कुल जो है, ठीक है डॉक्टर साहब, अगले क्रम में हम कुमार भृत को डिस्कस करते हैं, तो आप इस बारे में क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? कुमार भृत आजकल आयुर्वेद में तो सबसे अच्छी प्रायोरिटी मानी जाती है, इसको लेते हैं लोग, ऑप्ट करते हैं। एलोपैथिक में देखिए जैसे बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं जो बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं हैं जी, उनका ट्रीटमेंट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी मॉडर्न एस्पेक्ट में देखूं, इस समय देखूं मैं तो सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसी कई सारी डिजीज जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा माना जाता है कि इनका आयुर्वेद में इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ आपने जैसा देखा, प्रत्यक्ष देखा, तो इनका बिल्कुल इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इनमें बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाती है और उनके पेरेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अच्छा, देखता हूँ इसको, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि उन बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अब हम दूसरे एक चीज है इसमें ध्यान रखने वाली कि सिर्फ लेक्चरशिप्स को देखते हुए पीट्स ना सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जो स्वर्ण प्राशन है, आजकल बहुत चला है स्वर्ण प्राशन, एक इम्यूनाइजेशन का ऑल्टरनेटिव है जी। बिल्कुल, अभी चल रहा है कि बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं हर चीज के लिए, आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के थ्रू उनकी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाली है ये इम्यूनाइजेशन की ब्रांच। तो अभी मुझे लगता है कि पीडियाट्रिक्स लेना या कुमार भृत ऑप्ट करना तो एक बुद्धिमानी का सब्जेक्ट है। मैंने सुना था ऑल इंडिया में, शायद आप डिटेल आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन के ही पैटर्न पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि इम्यूनाइजेशन जी बिल्कुल स्वर्ण प्राशन इम्प्लीमेंट किया जाए और साउथ में शायद कुछ जगहों पे होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, स्वर्ण प्राशन करते हैं और बहुत सारे लोग आपको यहाँ अच्छी मेट्रो सिटीज में भी स्वर्ण प्राशन मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप, अब हम अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, रोग निदान विकृति विज्ञान पे। देखिए रोग निदान विकृति विज्ञान एक पैरा क्लिनिकल ब्रांच कह सकते हैं आप। तो पैरा क्लिनिकल के बारे में थोड़ा कि पैरा क्लिनिकल ही देखिए पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज वो हैं जिनमें हम ज़्यादा पेशेंट्स के टच में नहीं रहते हैं या हम ओपीडीज नहीं करते हैं रेगुलर तौर पर या कंपलसरी नहीं होती हैं जी। तो इसमें वो उन्हें हम पैराक्लिनिकल ब्रांचेस कहते हैं। रोग निदान विकृति विज्ञान उसमें से एक है, जिसको निदान का अर्थ डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिकल जो भी टूल्स हैं जी, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से हों या फिर मैकेनिकल हों जी। तो हमें इस विषय में बच्चों को क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके फ्यूचर के लिए अगर देखें तो वो किस किन किन विधों को देखते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं वो जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उन जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं थ्योरेटिकल आयुर्वेद के, उनको पढ़ते हैं जिससे उनको डिजीज़ की डायग्नोसिस का अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है जी। और अगर वो फ्यूचर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी डायग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है और निश्चित तौर पे डायग्नोसिस होगा तो उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा जी, जी। तो अगर ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा और आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन मूल है जी हाँ, तो इस पे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये ले करके आप पैथोलॉजिस्ट, एज अ पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट मीन्स मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ कि आप रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट पे साइन करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके लिए अभी हमें परमिशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर साहब। अगले विषय पे चलते हैं, स्वस्थ व्रत एवं योग पे। तो इस विषय पे बच्चे क्या ध्यान रखें, क्यों ये सब्जेक्ट लें, क्या क्या इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हैं? बिल्कुल, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, बिल्कुल आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आयुर्वेद का उद्देश्य है जी, जी। तो स्वस्थ वृत्त उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट, स्वस्थ वृत्त और उसके साथ योग अगर जुड़ा हुआ है तो सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है जी। बिल्कुल, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का आजकल डॉक्टर साहब आप समझ ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा स्कोप है किसी बीमारी को होने से पहले रोकने के लिए। तो कम्युनिटी में जो भी डिजीजेज होती हैं, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इनका अच्छा खासा स्कोप है। योग एक ऐसा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जी हाँ, इनको लेकर के आने वाले भविष्य में और अभी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसका ग्लोबलाइजेशन हो चुका है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है आजकल, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते ही रहते हैं योग पर जी जी। अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस में चाहें तो अपना, अगर एक योगा क्लास मॉर्निंग में लेते हैं, एक योगा क्लास इवनिंग में लेते हैं, आप ओपीडीज भी कर सकते हैं क्योंकि ओपीडीज तो हर कोई कर सकता है जो आयुर्वेद का है। लेकिन अगर आप योगा क्लासेस लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग में
तो बहुत ही अच्छी तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। मैंने सुना था कि अब इसकी स्पष्ट जानकारी आप दे सकते हैं कि जो WHO है वहाँ भी कुछ विचार चल रहा है कि जो ये जो स्वस्थ वृत्त यानी योग है उसको रिकॉग्नाइज करने का। जी बिल्कुल, रिकॉग्नाइज करने का मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही रिकॉग्नाइज हो भी जाना चाहिए जिस तरह से उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। तो हम ये माने कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी बिल्कुल, बहुत ही, और ये भी बहुत फ्लरिश होने वाली ब्रांच है जो बहुत जल्दी ही शायद सबसे ज़्यादा फ्लरिश होगी आयुर्वेद में। अब लास्ट दो ब्रांचों की डिस्कशन करना बाकी है जिसमें प्रथम आता है रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना। देखिए आयुर्वेद में जितनी भी मेडिसिन का निर्माण होता है वो रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना की अंतर्गत में ही होता है जी। इसमें बहुत सारे जो मिनरल्स हैं मेटल्स हैं उनका उनकी स्टडी की जाती है, साथ में जो भी प्रिपरेशन हैं जितने भी वटी हैं परपटी और जो भी चूर्ण या हर्बो मिनरल या मिनरल जो भी है या हर्बल प्रोडक्ट जिनका प्रिपरेशन होता है पेशेंट को देने के फॉर्म में वो हम इसी ब्रांच में प्रिपेयर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक इश्यू है जिसमें कि आयुर्वेद की जो ड्रग्स हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। अच्छा अच्छा। और उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपनीज को अगर इम्प्रूव करने हैं मानक सेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मानक सेट करने के लिए सारी कंपनीज को एक ऐसा रसशास्त्री रखना ही पड़ेगा, कंपल्सरी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे अभी कहा जा रहा है कि कम स्कोप है लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्रांच बनने वाली है। अच्छा एक विषय और है कि जो बच्चों जिन बच्चों को मिल जाता है रसशास्त्र काफ़ी जो लेने के बाद भी ये रहते हैं कि भाई मुझे नॉन क्लिनिकल का सेचुरेटेड ब्रांच मिला है, तो आप कहना चाहते हैं कि वो उस कोमा में ना रहें? नहीं बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि एज अ रिसर्च ऑफिसर CCRS में इनको बड़े ही आराम से जॉब मिलती है। और क्योंकि देखिए आप जो भी मेडिसिन डेवलप होगी, मैंने पहले ही बताया आपको, जो भी मेडिसिन डेवलप होंगी हर जगह इनका काम है। अच्छा तो बिल्कुल। एक चीज़ और, गोल्ड प्रिपरेशंस को लेके एक मिथ है कि क्या यूज़ कर सकते हो, गोल्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो क्या लेटेस्ट में गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी पीछे कुछ ऐसे भ्रांतियाँ आई थी लेकिन अभी उन पर बहुत अच्छा काम चल रहा है और उनको निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश हो रही है। और अभी उनका एक बार स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा कि भस्म और ये सब कैसे प्रिपेयर होंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे इसको पाने वाले। हमने पढ़ी थी कि IIT ने भी इसको प्रमाणित किया कि जो हमारी भस्म है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है अगर उस स्टैंडर्ड से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, जो एंशियंट मेथड से उसके अकॉर्डिंग अगर बनाई जाए। मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा अभी लेकिन फिर भी देखिए ये ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने वाली है। नेक्स्ट विषय पे आते हैं जो सर का जो है द्रव्य गुण है, तो इस विषय पे हम आप बच्चों को बताएं कि क्या क्या बिंदु हैं उनको। देखिए जहाँ तक द्रव्य गुण ब्रांच की बात हुई तो इसमें प्लांट्स की जो आइडेंटिफिकेशन उनकी प्रोसेसिंग और ये कुछ ये रसशास्त्र भैसजी कल्पना से मिलती जुलती ब्रांच कह सकते हो क्योंकि इसमें भी प्लांट्स से जो प्रोसेसिंग होती है मेडिसिन उनकी जो आइडेंटिफिकेशन करके उनका क्वालिटी सेफ्टी और एफिकेसी जो भी एसेस किया जाएगा वो इसी वो द्रव्य गुण के लोग ही करते हैं। और फ्यूचर में इनका भी बहुत अच्छा स्कोप आने वाला है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनकी मुख्य भूमिका होने वाली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जहाँ पे औषधियों की खोज होती है ये वो विंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले सभी को रूप से बात है संहिता बेसिक प्रिंसिपल का डिपार्टमेंट संहिता एम सिद्धांत, तो इस विषय पे आप क्या बच्चों को बताना चाहेंगे कि वो? देखिए संहिता एम सिद्धांत में आप PG करके डायरेक्ट एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं जी। और इसमें अगर आपको टीचिंग करना ज़्यादा पसंद है जी, टीचिंग में जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन ब्रांच है क्योंकि इसमें जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं चरक सुश्रुत वाग्भट इन सब के बारे में आपको पढ़ना। ये संहिता पढ़ाने के दौरान हमें मतलब क्या स्टडी कराई, क्या बेसिकली इनका पढ़ने का इस एरिया क्या होता है? देखिए इनका जो मूल काम होता है वो अध्ययन और अध्यापन ही होता है। अच्छा, अच्छा, तो चरक सुश्रुत वाग्भट इसके अलावा भी जो बहुत सारी संहिताएं हैं वो यही लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और कहा जाता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अध्ययन अध्यापन में ही लिमिटेड रह गए क्योंकि इनको जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत हैं उनका उनका अच्छा ज्ञान होता है तो ये लोग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि संहिता सिद्धांत में तीन बृहत्त्रयी लघुत्रयी टीकाएं सबका ये जो जी, है बिल्कुल, अध्ययन बिल्कुल। समेकित अध्ययन करते हैं। जी बिल्कुल जी, जी। अभी दो ब्रांचेज और बची हैं डॉक्टर साहब, अभी मैं उसको बताना चाहूँगा, रचना शरीर और क्रिया शरीर। देखिए रचना शरीर और क्रिया शरीर दो PG की ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें आप PG करके
लेक्चरशिप एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल जितने भी कॉलेजेस हैं यूजी हो या पीजी हो, फर्स्ट ईयर का ही सब्जेक्ट है, इसमें अच्छी खासी डिमांड है इनके। डॉक्टर साहब, अभी आपने सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल स्कोप के बारे में बताया, अब मैं आपसे समराइज करके मैं ये चाहता हूँ आप बच्चों को मुख्य ये पॉइंट्स बताएं जिससे कि वो काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग में उनको हेल्प मिले, क्या क्या उन पॉइंट्स को उन्हें ध्यान रखना है। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको उस सब्जेक्ट को बोझ की तरह ढोते रहेंगे जी। तो अगर आपका इंटरेस्ट भी है उस सब्जेक्ट में, आपने उसको ऑप्ट किया एज अ करियर, तो बड़े ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है और वो आपके लिए बड़ा ही आगे चल के मददगार सिद्ध होगा जी। अगला जो एक ध्यान देने वाली बात है उसमें ये है कि जैसे देखो डॉक्टर साहब, सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, बारिश होने लगी, तो आप कहाँ जाएंगे, बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे या ताड़ के पेड़ के नीचे जाएंगे? बरगद के पेड़ के नीचे जाएंगे। तो ये मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि आप जहाँ पर भी ऑप्ट करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट, उस डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, उस डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ ले तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट होगा, वो रिनाउंड होंगे और बहुत अच्छे ज्ञानी होंगे, उनका ज्ञान बहुत अच्छा होगा, कॉम्पिटेंट होंगे, तो निश्चित तौर पे आप उनके अगर नीचे काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी फ्लरिश करने वाले, क्योंकि आपका ज्ञान भी निश्चित तौर पर उस लेवल का होगा। मतलब उस डिपार्टमेंट का रेपुटेशन कैसा है? जी बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल रेपुटेशन मैटर करता है। और तीसरा तरीका ये है कि आजकल जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पे ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में सेचुरेशन कम है, किस सब्जेक्ट में सेचुरेशन ज़्यादा है। कि सेचुरेशन का मतलब मेरा ये है कि लोग ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में पीजी कम है, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में लेक्चरशिप आसानी से मिल जाती है। और यही तो इसमें क्या होता है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एक अडॉप्ट होने का, वैसे तो ये कोई बहुत डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, हर स्कॉलर अपने हिसाब से स्विच करता है, लेकिन आजकल है कि अगर वो फीमेल है, किसी गर्ल का अच्छा रैंक आता है तो वो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र ऑप्ट कर लेती है, किसी बॉय का या लड़की का बहुत अच्छा आता है रैंक तो वो कुमारभित्त ऑप्ट कर लेता है। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है पंचकर्म में तो पंचकर्म आप ऑप्ट करते हैं, ऐसे शालाक्य तंत्र है, अगर आप उसमें सेचुरेशन को देखते हुए ऑप्ट करते हैं तो शालाक्य तंत्र ऑप्ट कर सकते हैं, शल्य तंत्र है, स्वस्थवृत्त है, काय चिकित्सा है, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेज अच्छा। हैं। आप अपने कैलकुलेशंस देखिए कि कहाँ आपके कैलकुलेशंस अच्छे बैठ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को आपको ही कैरी करना है। तो एक चीज़ और है कि संस्थान बहुत अच्छा है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की फैकल्टी का रेपुटेशन मान लीजिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं है, बिल्कुल, तो क्या हमें उसमें लेना चाहिए, हमें डिपार्टमेंट फोकस करना है या इंस्टीट्यूशन पे? नहीं देखिए डॉक्टर साहब, वो डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, हर चीज़ ये नहीं होता है कि कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्योंकि टीचर्स जो भी आए होते हैं वो अच्छे क्वालिफाइड और अच्छे टीचर्स ही होते हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम होते हैं जिनके अंडर में लोग पीजी करना चाहते हैं, उनका शौक होता है। वो मैंने बताया आपको कि बरगद के पेड़ के नीचे और ताड़ के पेड़ के नीचे वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। और नेक्स्ट आप देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बड़ी ही जनरल हैं हर किसी के लिए। जैसे आप रिसर्च एसोसिएट की तरह जाएंगे, CGHS में मेडिकल ऑफिसर बनने जाएंगे, MCD में मेडिकल ऑफिसर बनने जाएंगे, या फिर SRF की पोस्ट के लिए जाएंगे, ZRF की पोस्ट, तो वहाँ सारे लोग इक्वल हैं। देखिए अब लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये क्रिएट होता है करता है कि जैसे लेक्चरशिप के लिए जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो अनसेचुरेटेड हैं, मैंने बताया अभी आपको, उनमें आपको लेक्चरशिप बहुत आसानी से मिल जाती है। एज ए रिसर्च ऑफिसर जाते हैं तो बिल्कुल वही बात होती है, रिसर्च एसोसिएट की तरह जाते हैं, UPSC के लिए जाते हैं, State PSC के लिए जाते हैं, और बाकी प्राइवेट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, तो ये सेम कंडीशन होती है। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे जो अच्छी मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, पहले वो उनकी रैंक अच्छी आती है, वो एक्साइटमेंट में क्लिनिकल ब्रांच लेते हैं और क्या, लेकिन डॉक्टर साहब देखने वाली बात ये होती है कि क्या 3 साल बाद वो प्रैक्टिस करने लायक रहते हैं, वहाँ से डायरेक्ट निकल करके प्रैक्टिस करते हैं, बात कही।
तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वहाँ से निकलने के बाद वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं है। जो अच्छे लोग आते हैं बाहर, वो प्रैक्टिस में ना जा करके इधर लेक्चरशिप या ऐसी जगह चले जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एमडी करने के बाद आपका मोटिव कंपनी और गवर्नमेंट जॉब ना हो, प्रैक्टिस भी हो। बिल्कुल, प्रैक्टिस देखो, एक आयुर्वेद के संबंध में मैं कहूँ तो अभी एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। ट्रेडिशनल लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा अभी हावी हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। हाँ, बहुत ज़्यादा जो क्वालिफाइड लोग हैं या पढ़ लिख करके आए हैं उनका अभी कम है। कम्युनिटी में एक ये अलग टाइप का मैसेज भी है कि क्योंकि अच्छे लोग प्रैक्टिस में नहीं आए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नीरज दुबे, इन्होंने आपको स्कोप के बारे में बताया पीजी पास करने के बाद, और ये भी बताया कि काउंसलिंग में सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आगे हम फिर किसी इम्पोर्टेंट विषय पे मिलेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर नीरज और हमारा साथ दे रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें।